ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट ऐड एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर 100। ऐड तो ऐड करना है तो इसके बीच में कॉमा हटाओ प्लस पुट करो क्यू क्यू माइनस आर दूसरा ब्रैकेट है एंड हटाओ एंड की जगह प्लस आर आर माइनस बी। तो पहले हमने कॉमा रिमूव किया उसकी जगह हमने प्लस का साइन लगाया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये ब्रैकेट में बाइनोमियल है ये मोनोमियल है मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे पी का मल्टीप्लाई पी से बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो पी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे ए और ए का मल्टीप्लाई आप ए स्क्वायर लिखेंगे ए की पावर 3 का ए से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए की पावर 4 हो जाएगा पावर ऐड हो जाएंगी। अब x की पावर 3 हो और x की पावर 5 हो तो पावर ऐड हो जाएंगी बेस इक्वल है तो x की पावर 8। ये आपका बेसिक्स है फंडास है तो इसे आप उसी बेस पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। p का q से होगा तो p q पावर ऐड नहीं होंगी क्योंकि अनलाइक टर्म है। जैसे अनलाइक क्या है x का मल्टीप्लाई y से करना है तो पावर ऐड नहीं होंगी अनलाइक टर्म है तो x y आ जाएगा। तो इस तरीके से वही यहाँ पर बेस लगेगा। तो यहाँ पर अब आप प्लस q का q से तो एक जैसा नंबर है सेम है तो पावर ऐड आ जाएंगे क्यू स्क्वायर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस अभी हमने प्रोडक्ट रूल बताया था और क्यू का आर से आ जाएगा तो क्यू आर आ जाएगा। आर का आर से होगा तो बेस इक्वल है पावर ऐड हो जाएंगी आर स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को रीओपन करेंगे प्लस का माइनस से माइनस आर का पी से आर पी ये याद रखे आर पी लिखो या पी आर लिखो एक ही बात है जैसे 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर पी स्क्वायर जैसा कोई टर्म है नहीं तो पहले पी स्क्वायर लिख लो फिर क्यू स्क्वायर लिखो आप और फिर आर स्क्वायर लिखो आप ये स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिखनी पी स्क्वायर लिख लिया फिर हमने क्यू स्क्वायर लिखा फिर हमने आर स्क्वायर लिखा। अब माइनस पी क्यू लिख लो फिर माइनस क्यू आर लिख लो माइनस आर पी लिख लो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसमें कोई लाइक टर्म पी क्यू जैसी और नहीं तो सिंगल रहेगी क्यू आर जैसी और नहीं आर पी जैसी कोई नहीं ये अनलाइक टर्म्स है मतलब ये पी क्यू जैसा और कोई नहीं है। लाइक टर्म्स क्या होती हैं आपको बताया है लाइक टर्म्स जैसे आपका यहाँ पी क्यू है तो दूसरा भी जैसे कोई माइनस थ्री पी क्यू आ गया और जैसे यहाँ पर माइनस 7/2 पी क्यू आ गया ये सब लाइक टर्म्स हैं। क्यों ये भी पी क्यू में है ये भी पी क्यू में है ये भी पी क्यू में नंबर कोई भी मल्टीप्लाई होता हो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये जो वेरिएबल की पावर है ना वो इक्वल होनी चाहिए पी क्यू यहाँ पर भी पी क्यू यहाँ भी पी क्यू ये लाइक है ये सब अनलाइक है। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे तो बी पार्ट में इसका पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे उसके बाद हम करेंगे। तो देखिए बी पार्ट क्या है इसका ऐड करना है इसमें भी ऐड करना है किसको ऐड करना है 2x ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड दूसरा है 2y और ब्रैकेट में है जेड माइनस वाई माइनस एक्स इसको ऐड करना है। तो हम इसको ऐड करेंगे ऐड करने के लिए अभी हमने क्या बताया था कि ऐड करने के लिए आप यहाँ पर बीच में प्लस का साइन डाल दो तो 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का साइन यहाँ पर फिट करो 2y और जेड माइनस वाई माइनस है जैसे हम आपको समझा रहे हैं जैसे 3 और ब्रैकेट में 2x प्लस 5 है ब्रैकेट ओपन करोगे इन बिटवीन कोई साइन नहीं है तो इनटू मानेंगे जैसे इसे खोलेंगे 3×2 = 6x प्लस 3×5 = 15 बस वही बेस यहाँ पर वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ लगेंगे 2x का z से मल्टीप्लाई होगा 2x z आ जाएगा माइनस 2x का x से 2 का 2 एज इट इज x का x से होगा तो x स्क्वायर क्योंकि पावर जैसे x का x से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो इसकी पावर 1 बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे वही फंडा है यहाँ पर। अब फिर माइनस 2x का y से होगा तो माइनस 2x y आ जाएगा प्लस y का z से होगा वाई जेड 2 साथ में है तो 2yz माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है ये हमने बताया है आपको पीछे।
अब 2y का y से होगा तो 2 एज इट इज, y का y से y स्क्वायर, प्लस का माइनस से माइनस 2yx, तो माइनस 2 पहले x लिख लो फिर y लिख लो। तो क्या हुआ, जैसे आपका माइनस 2x है और y से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 2xy। अब जैसे इसमें yx xy लिखो या yx लिखो, दोनों एक ही चीज है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब एक्स जेड वाला, एक्स जेड माइनस 2x² माइनस 2xy। अब इसमें आप ये देखो कोई लाइक टर्म्स हैं तो इन्हें मिला लो। जैसे आपका क्या है माइनस 2xy माइनस 2xy, तो माइनस 2xy और माइनस 2xy, तो माइनस 2xy माइनस 2xy मिलकर के माइनस का 4xy हो जाएगा। जैसे आपका जैसे माइनस 3 है और माइनस 4 है, दोनों नंबर हैं तो वर्किंग में ऐड हो जाएंगे, -7 आ जाएगा। तो 2xz, xz वाला, xz जैसा कोई और नंबर नहीं है तो 2xz लिख दो, 2x² जैसा और कोई नहीं है तो -2x² लिख दो, -2xy -2xy दो बार है तो -4xy आ जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएंगे और साइन बड़े नंबर का लगेगा, दोनों नेगेटिव हैं तो साइन नेगेटिव का लगेगा। 2yz जैसा और कोई नंबर नहीं है तो 2yz आ गया, और 2y² जैसा भी कोई नहीं है तो ये आ गया। अब ये सब अनलाइक टर्म है तो आगे प्लस और माइनस नहीं होंगे। एक्स जेड वाला और कोई नहीं, 2x² वाला और नहीं, एक्स वाई वाला और नहीं, वाई जेड वाला और नहीं, वाई स्क्वायर वाला और नहीं, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपका जो बेसिक्स हमने साइड पे समझा है, इन्हें जरूर नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।